रहीम, रहमान अली गवर्नमेंट एम्प्लॉज ग्रैंड अलायंस और दिलदार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि रमज़ान के फौरन बाद बजट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है और पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से और आने वाले बजट के अंदर क्या रिलीफ दिया जाता है या नहीं दिया जाता, इस हवाले से एक्टिविटीज़ जो होंगी वजारत ख़जाना में वो भी पता चल जाएंगी, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। मगर उससे पहले प्रोविंसेस के साथी तो तैयारी रखें, प्रोविंसेस को कॉल। हमारा पंजाब का लीव इन कैशमेंट का इशू जो है अभी तक हल नहीं हुआ है, इस मैसेज के ज़रिए भी, और जो हमारे साथी हैं डेफिनेटली मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ उनके लिए ये मैसेज है कि वो रब्ता करें। हम भी रब्ते में हैं, हमें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि बजट से पहले पहले लीव इन कैशमेंट का मसला हल होगा, मगर यकीन दहानियों से बात आगे जा चुकी है, हमें तैयारी करनी होगी इस हवाले से। सफ़ों में इतिहाद रखें, पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे जो कट लगाया जाने लगा है इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप लोग बाजू नहीं बनेंगे और इत्तेफाक इतिहाद के साथ जो पहले हमने काविशें की हैं उसका फल वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को जो है वो हासिल भी हुआ है, आगे भी हासिल होगा। तैयारी रखें, दफातर में बैठ के मसले हल नहीं होने, माँ भी बच्चे को तब तक खाना नहीं देती है जब तक बच्चा रोए ना, तो इस हवाले से बिल्कुल भरपूर तैयारी रखें। जैसे ही कॉल दी जाए यहाँ पे एक के कमरे में जाके मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि खुदारा बाहर निकलें हल जो है एहतजाज वगैरह के लिए, तो आपको खुद से जब तक नहीं जागेंगे ये मसला हल नहीं होगा। दिलदार साहब आपका शुक्रिया। इस मौके पे सरवर गोंदल साहब, सितारे इम्तियाज नेमत जफर साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अदारे शुमारियात की जानिब से और बैसिया चीफ कोऑर्डिनेटर आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के। कल पंचिंग हुई थी और एक दिन के अंदर अंदर तमाम बिल जो है अदारे शुमारियात ने वो प्रोसेस किए, आल दो के पूरा एक साल इसको हो गया। मैं ज़ाती तौर पे भी माजरत चाहता हूँ, मगर इस हवाले से भी हमने प्रोटेस्ट किए, 18 जनवरी को भी प्रोटेस्ट किया वजारत खजाना की जानिब से, मगर 1,26,000 मुलाजमीन में से शायद 150 जो है मरदमशुमारी वाले वो साथी भी नहीं पहुँचे। तो जायज़ आइनी हक के लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे मसाइल पाकिस्तान की तारीख गवाह के हल ना पहले कभी हुए ना आइंदा होंगे। दुआओं में याद रखें, दीगर जितने भी इश्यूज़ हैं, अपग्रेडेशन है, रेगुलराइजेशन है, ख़ास तौर पर क्लास 4 के मुलाजमीन बहुत से इश्यूज हैं जिसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। ये तो जस्ट अभी मरदमशुमारी के पेमेंट के हवाले से AGPR के बाहर मौजूद था तो मैंने कहा मैं साथियों को अपडेट दे दूं, कुछ बिल्स वगैरह सारे जो है वो प्रोसेस होके काउंटर से मुतलका सेक्शन में पहुंच चुके हैं, 157 बिल हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा मगर इंशाल्लाह ताला ईद से पहले पहले ये तमाम DC साहिबान को यहाँ से पेमेंट पहुँच जाएगी।